इसी भोपाल की धरती पर बनी हुई फिल्म है। थोड़ा सा उसमें भाव विपरीत हूँ मैं तो, बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें कोई अहंकार रखने वाली बात नहीं थी। मैं तो अनकंडीशनली मानता हूँ, वो लेवल पर तक नहीं पहुंचा। कंटेंट इज़ नॉट इंजूरियस टू हेल्थ, गुरुनुमा समझना ये गलत बात है। मेरा ये विश्वास रहा है कि कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ही बनानी चाहिए, क्योंकि अगर चीज़ें नहीं हो रही है तो भी उसकी उनकी इच्छा है। इतने वर्षों के बाद को लगता है कि अभी भी आपको अंडररेट किया जाता है। एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह। और आज के इस स्पेशल इंटरव्यू में मेरे साथ जुड़ रहे हैं विगत कई दशकों से आपका मनोरंजन कर रहे बेहद सशक्त अभिनेता के मैनन और उनकी अपकमिंग फिल्म के डायरेक्टर सुधांशु जी। आप दोनों का एमपी लाइव न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मेरा पहला सवाल आप ही से कि जब मैंने आपसे बात करी थी कि मुझे स्पिरिचुअल इंटरव्यू करना है तो आपने कहा था कि स्पिरिचुअल होना चाहिए, इंटरव्यू इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करें। मेरा ये मानना है कि अगर मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ या फिर उस फील्ड में हूँ जहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म गुरु हैं इस प्रकार, तो समझ में आती है बात कि मुझे उसका प्रचार करना, लोगों को समझाना वगैरह। लेकिन मैं मानता हूँ कि एज नॉट बीइंग इन दैट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, मेरा काम है उसे निभाना, स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्म को निभाना, जीने की कोशिश करना। तो इसलिए इंटरव्यू उसके बारे में देना मतलब अपने आप को उसमें गुरुनुमा समझना, ये गलत बात है। तो मैं कोशिश करूंगा जितने सरलता से मैं उसको उत्तर दूं, बहुत सारे उत्तर मुझे पता भी नहीं होगा। तो आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आप मानते हैं आत्मा परमात्मा इन सबको मानते हैं? मैं तो अनकंडीशनली मानता हूं जी, कोई कंडीशन नहीं वहां पे कि ये होगा तो मैं मानूंगा, ये होगा तो नहीं मानूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अनकंडीशनली मैं मानता हूं कि परमात्मा ईश्वर इन सब मैं अनकंडीशनली मानता हूं। तो आप परमात्मा को जब अनकंडीशनली देखते हैं तो आप जनरली किस रूप में देखते हैं? मैं उस आध्यात्म वो लेवल पर तक नहीं पहुंचा कि निराकार देखूं, हाँ वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा जी, आकार में ही देखता हूँ जी। जो भी आकार मुझे प्रसन्नता देती अंदर से, आत्मिक प्रसन्नता, उसको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। तो अभी कोई ऐसा आकार है जो आपको प्रसन्नता देता है? शिव जी के भक्त का भक्त। अच्छा, शिव जी के भक्त हैं तो बस वही। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, आपके नाम में ही कृष्ण है, माता जी का नाम राधा है, तो धार्मिक जो परिदृश्य आपके घर का, जो परिवेश है, वो कैसा था? नाम हमारे भारतवर्ष में नाम जो है वो अलग अलग देवी देवताओं के ही नामों पर रखे जाते हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, अलग ही आजकल प्रथा अलग है थोड़ा बहुत, मतलब कुछ पता नहीं क्या नाम रखते हैं, लेकिन वो हमारे पास हर एक का सहस्त्र नाम है, हर एक भगवान का, हर एक डेटी का, तो उसमें बहुत सारे आपके पास चॉइस है, बहुत सुंदर सुंदर नाम। और बचपन से लेके धार्मिक रहा है, जब से पैदा हुआ हूँ, तो वो संस्कार रहा है, वो अब तक जारी है। आपका मैं एकेडमिक देख रहा था तो बहुत स्ट्रांग है, फिजिक्स से बैचलर, फिर आपने एमबीए किया, उसके बाद भी आप कुछ कुछ और करते रहे और फिर एक्टर। तो आपको पहले से डिसाइडेड था कि आपको एक्टिंग में ही जाना है या बाद में डिसीजन हुआ? नहीं, पहले तो नहीं था, पहले तो यह था कि मैं बचपन से लेकर स्टेज पे था, 9 साल की उम्र से। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये आनंद मुझे क्यों महसूस हो रहा है, मतलब जब मैं स्टेज में जाता हूँ या एक्टिंग करता हूँ मुझे एक अजीब सी आज़ादी महसूस होती है जी, तो वो मुझे पता नहीं था कि यही मेरा स्वधर्म है, उस वक्त नहीं पता। तब आपकी इच्छाएं और होती हैं, इर्द गिर्द जो माहौल होता है वो अलग होता है। तो मैंने तो फिजिक्स ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर एमबीए किया, सब कुछ किया, थोड़ी एडवर्टाइजिंग में भी हाँ वहाँ किया कर लिया था, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही थी, वहाँ पर बहुत लेबर लग रहा था। तो चुपचाप बैठकर जब अपने आपसे एकदम ईमानदारी से सवाल पूछा तो उत्तर मिला कि मेरा स्वधर्म जो है वो एक्टिंग ही है। तो और जब मैं वो ये उत्तर कब मिला आपको, जब आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री थोड़ी सा, हाँ जब आपको असंतुष्ट होते हो तो आप प्रश्न पूछते हो अपने आप से जी। और ये मैं मानता हूँ कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस देश में, ये देश नहीं इस धरती पर परमात्मा ने एक दो या तीन टैलेंट्स दिए हैं। ये अलग बात है कि आपकी इच्छाएं किसी और तरफ है और आपकी आपका एक्चुअली जो हुनर है वो कहीं और है, जब वो मेल खाता है तो आपको गति मिलती है। तो वही मेरे साथ हुआ, जैसे मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरा स्वधर्म ये है तो कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी जो मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ, वो गति मुझे मिलती गई।
शुरुआती दौर में, अभी आपने थिएटर की बात करी, तो आपका पहला थिएटर ब्रेक नसीर साहब के साथ था, और पहला ब्रेक और इतने मंझे हुए कलाकार सामने हो, तो वो अनुभव कैसा था? बहुत बेहतरीन था। इनफैक्ट महात्मा वर्सेस गांधी नाम का एक प्ले था, जहाँ पे मैं भरीलाल गांधी का मैंने रोल निभाया था। वो प्ले अंग्रेजी में किया था हमने, और गांधी एज एन इंटरनेशनल सब्जेक्ट, तो उसका वर्ल्ड टूर भी हमने काफ़ी कुछ किया था। बहुत मज़ेदार रहा। वो सारी चीज़ें मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। हालांकि मुझे लगता था कि मैं शायद बहुत सारी चीज़ें मुझे दी गई है तो मुझे पता है, लेकिन उसमें कोई अहंकार रखने वाली बात नहीं थी। वो दिया गया है, मैंने बहुत ही विनम्रता से उसका एक्सेप्ट कर लिया। शुरुआती दौर में जब आपकी फिल्म थी पांच या पंच अनुराग कश्यप की, वो रिलीज ही नहीं हो पाई, फिर एक भोपाल एक्सप्रेस, चूंकि इंटरव्यू में भोपाल में कर रहा हूँ, 1999 में, वो भी अननोटिस्ड रही, क्या हुआ उसका आज तक हमको पता नहीं, उस फिल्म का हमने देखी भी नहीं। वो दौर जब आप लगातार अच्छी फिल्मों के लिए ट्राई कर रहे थे और फिल्में रिलीज ही नहीं हो पा रही थी या डिले हो रही थी, तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे संभालते थे? नहीं, वो तो देखो उस मामले में मेरा ये विश्वास रहा है कि कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ही बनानी चाहिए, जहाँ तक हो सके ऑडियंसेस को उसमें एजुकेट करें। जैसे हमने अभी लवाल बनाई है, जी, वो 15 अगस्त को रिलीज होगी बैडमिंटन पे, बैडमिंटन पे, जी, उसी सिलसिले में वो एक फिल्म है। जैसा वो जैसे उस फिल्म में भी कॉन्टेंट है, कॉन्टेंट इज द मेन फोर्स इन दैट फिल्म। स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन है, जहाँ पे बैडमिंटन पहली बार कोई स्पोर्ट को बिना कोई स्पेशल इफेक्ट्स के यू नो बाकायदा एक्चुअल खिलाड़ी को लेकर के हमने शूट की है। ये सारी चीजें हैं, तो उसको ऑथेंटिक बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स में वही होता है, हम चीजों को विश्वसनीय बनाते हैं। और एक परिवार की कहानी है जो मध्यम वर्गीय परिवार है, एक पिता और पुत्र के बीच की कहानी है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब मैं हमेशा से चाहता हूँ कि कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स को वो लार्ज स्केल ऑडियंसेस मिल जाए, क्योंकि जरूरी है कि बाकी फिल्मों के साथ साथ इनको भी वो जगह मिले, क्योंकि उससे जैसे मैं कहता हूँ ना, कंटेंट इज नॉट इंजूरियस टू हेल्थ, तो कंटेंट इज ऑलवेज गुड, तो जरूरी है। तो उसी सिलसिले में हमने लवॉल बनाई, और मैं चाहूंगा कि लोग उसको उसको अपनाएं और देखें जाकर। अभी आपने कंटेंट की बात करी, तो एक सवाल मैं सभी से लेते हैं कि ओटीटी जो है वहाँ पे कंटेंट जो है वो बहुत फ्री है, उसमें अभी भी वल्गैरिटी, न्यूडिटी, जिसको सो कॉल लोग उसको इस तरीके से देखते हैं, और कई लोग उस पर एक्सप्रेशन की फ्रीडम मानते हैं, आप कैसे देखते हैं? आप देखिए, फ्रीडम एक इज अ वेरी मिसयूज्ड टर्म। मतलब फ्रीडम का मतलब ये नहीं तो होता है कि फ्री फॉर ऑल। जब तक कोई दायरा नहीं होता तब तक आपको आप फ्री नहीं हो। ये देश भारत देश के बाउंड्रीज हैं, इसलिए आप फ्री हैं, तो बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो बटन है वो आपके अंदर है। आप जब सोसाइटी में घूमते हैं तो आपको पता है कि ये फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लस इट्स योर ओन सेंसरशिप, यू डू इट योरसेल्फ। जी, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल ये था कि अभी आपका एक लेटेस्ट कमेंट आया था कि सिल्वर स्क्रीन जो है उस पर अब अच्छी सिनेमा देखने को नहीं मिल रही, उसका अभाव है, लैक ऑफ गुड सिनेमा ऑन सिल्वर स्क्रीन। तो आप देखिए, हम हमेशा से वही कोशिश कर रहे हैं, थोड़े जिद्दी भी है उस मामले में, कि अच्छा कंटेंट लेकर आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी जो जिस प्रकार की फिल्में हैं वो कहीं कम हो जाए, मैं कह रहा हूँ कि इक्वल जगह मिले, लवॉल को भी उतनी ही जगह मिले जितनी बाकी फिल्मों को। वही मेरी इच्छा है। लव ऑल जो है थिएटर रिलीज है या ओटीटी पर है? थिएटर पे है, थिएटर रिलीज, इसलिए मैं इस थिएटर। और आप डायरेक्टर हैं, तो लव ऑल से भी एक सवाल मैं ले लेता हूं, क्योंकि मैं खुद ही बैडमिंटन प्लेयर हूं। बैडमिंटन पे भी हाल ही में कई फिल्में हमने देखी, साइना नेहवाल की बायोपिक बनी, और एक फिल्म अभी बीच में और आई थी, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूं। और आपका जो फिल्म है, ये किसी रियल कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस है या टोटल फिक्शन है? मेरा ऐसा मानना है कि टोटल फिक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं। जी, जो भी आप कहानी लिखते हैं या जो भी एक फिल्म का वो होता है हिस्सा, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है। अब वो ये जरूरी नहीं है कि वो वैसा का वैसा किरदार आ गया, भाव आ सकते हैं, किसी का बॉडी लैंग्वेज आ सकती है। तो फिल्म इस तरह से कहा जाए तो ड्रामा है, स्पोर्ट्स ड्रामा है, किसी एक खिलाड़ी की है, किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बायोपिक भी नहीं है निश्चित रूप से। और बहुत फिल्में मुझे लगता नहीं है कि बैडमिंटन पे बनी, साइना नेहवाल एक बायोपिक थी, और उसके अलावा मुझे भी ध्यान नहीं कि कोई फिल्म बड़े पर्दे पे आज तक बैडमिंटन की आई हो।
पर हाँ, इस फिल्म के बारे में ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह का बैडमिंटन इसमें, अगर आप प्लेयर हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति जो नहीं खेला उस खेल को, उसको उस प्रोफिशिएंसी से खेलते हुए दिखाना स्क्रीन पे वो संभव नहीं है। तो जी हमने लगभग 200 खिलाड़ियों का चयन करके, उनमें से और शॉर्टलिस्ट करके जो नेशनल लेवल के प्लेयर्स थे उनको हमने शूट किया, उनको कास्ट किया फिल्म में और उनको एक्टिंग सिखाई। जी तो इसलिए इतनी ऑथेंटिसिटी है इसके बैडमिंटन की कि खुद पुलेला गोपीचंद जी इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी देखने के बाद, पहले नहीं जुड़े थे। जी जी तो आज से 3 दिन पहले 15 अगस्त को उनकी एकेडमी में फिल्म का शो रखा गया, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स वो खुद थे और वो प्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया को ये फिल्म कि आप सबको देखनी चाहिए। एज अ डायरेक्टर एक स्पोर्ट फिल्म बनाना कितना सेफ था, क्योंकि जब तक लगान नहीं आई थी तब तक तो ऐसा माना ही जा रहा था कि स्पोर्ट पे फिल्में चलती ही नहीं है भारत में, और लगान के बाद फिर मिल्खा सिंह भी चली, मैरी कॉम भी चली, साइना का मुझे नहीं पता बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट क्या था, वो जो बायोपिक की हम बात कर रहे हैं, तो ये टॉपिक चुनना है स्पोर्ट ड्रामा। मुझे लगता है कि पहले बोलता तो मैं खिलाड़ी हूं, तो खिलाड़ी ये सब सेफ और अनसेफ चीजें अपनी सोचते ही देखते नहीं है हैं, और जी। कला के मामले में क्या सुरक्षित होता है जीवन ही, अगर हम स्पिरिचुअल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो हम कौन सी सुरक्षा में, ये जीवन तो वैसे भी जाने वाला है, करेक्ट बात तो जी। उसमें अगर हम सुरक्षा ही खोजते रहेंगे तो फिर चीजें बनेगी कैसे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई शक्ति ऐसी है जो जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस खूबसूरत गेम पे फिल्म बना सकूं, और कहीं ना कहीं उसमें एक आध्यात्म भी है, उसमें एक धर्म भी है, और वो एक फिल्म अगर आप जब देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कब उस रिलीज गेम हो की रही है ट्वेंटी वो? फिफ्थ अगस्त को 25th रिलीज है पैन थिएटर्स इंडिया में, रिलीज है, एक साथ पूरे भारत में रिलीज है एक साथ जी। पूरे भारत में है, 9 भाषाओं में है, 9 भारतीय भाषाओं में, एक रिकॉर्ड है अपने आप में, साउथ की सारी लैंग्वेजेस हैं, उसके अलावा बांग्ला है, उड़िया है, असमीज है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये विदेशों में, जहाँ बैडमिंटन खेला जाता है, कि साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना हुआ, जापान हुआ, यहाँ पे भी तैयारी चल रही है, फिल्म की डबिंग हो रही है, और वहाँ बहुत जल्दी हम इसको रिलीज करने की तैयारी है। बहुत बढ़िया। अब इंटरव्यू अंतिम पड़ाव पर है, अब 2-3 मैंने आपसे सवाल ले लिए। कल आपने कमेंट किया इंदौर में कि इंदौर जो है लंदन से भी बेहतर है, तो वो आपने किस चीज को देखकर वो आपको ऐसा एहसास हुआ? किसी ने मुझे बोला कि लंदन के समान है, तो मैंने कहा कि लंदन से भी बेहतर है। इनफैक्ट हर हर शहर हमारे देश का, हमें ज़रूरत ज़रूरी ज़रूरी नहीं कि हम किसी और से कंपेयर करें, करेक्ट ये मान के चलना चाहिए कि हम उनसे बेहतर हैं। जी। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के चीज़ें वैसी बनती हैं। अगर आप हमेशा से वो उसमें दबाव में रहे कि हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, तब मुश्किल हो जाती है। लक और डेस्टिनी को आप मानते हैं? पूरी तरह से मानता हूँ मैं, आपको लेकिन लगता मैं मानता हूँ कि साथ साथ आपको प्रयास करने का भी एक होता है। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, आपको थाली में कोई परोस के नहीं देगा, आपको सारे उसके उसका जो एटमोसफेयर है बना के दे सकता है डेस्टिनी, लेकिन वो दरवाजे तक चल के जाना ही आपका काम है। प्रयास करेंगे तब लक सपोर्ट लक करेगा। सपोर्ट करता है, अच्छा, आप कितने तैयार हो और कितना उस पर काम करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। अब मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई चीज है जो अगर आपको बनाया गया है ईश्वर ने, तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, तो जरूरी है कि आप उसको समझें। कोई ऐसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी जिससे आप इन्फ्लुएंस हो, जिनको आप सुनते हो पढ़ते हो? नहीं, मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा विपरीत हूँ। मैं आध्यात्म का मतलब मैं उस प्रकार से समझता हूँ कि खुद के अंदर झांकना, देखना, तो वो सारी चीजें करता हूँ। हाँ, कोई अच्छी बात कहीं से सुनी तो उसको अपना लेता हूँ, बट उसके अलावा नहीं करता हूँ कुछ। कभी कोई अच्छी स्पिरिचुअल सिनेमा ऑफर हुई तो आप करेंगे? हाँ, स्पिरिचुअल सिनेमा डिपेंड करता है कि जैसे हमने अभी स्पोर्ट्स फिल्म बनाई, अब स्पोर्ट्स ऑथेंटिक है इसके अंदर, इसलिए मैंने हाँ कहा। ऐसा नहीं कि विजुअल इफेक्ट से हम लोग स्पोर्ट्स दिखा रहे हैं, हाँ कोई एक्टर जिसको खेलना नहीं आता वो उससे बैडमिंटन या कुछ खिलवा रहे हैं और फिर विजुअल इफेक्ट से हम लोग उसको सुधार रहे हैं। तो जब तक कोई ऑथेंटिक चीज ऐसा स्पिरिचुअलिज्म में आए, आई हैव नो इश्यूज। आपको लगता है आप विगत कई दशकों से काम कर रहे हैं, 95-96 से मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, 2023 अभी भी आपकी फिल्म आने वाली है और भी आपके पास काम हो गई, इतने वर्षों के बाद अभी कोई ऐसी चीज है जो बची हुई है, या आपको लगता है कि अभी भी आपको अंडर रेट किया जाता है? यार, मैं खुद को रेटिंग में इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, ये ऑडियंस के ऊपर निर्भर करता है। और ऐसा भी नहीं है कि जब आपने एक एक रास्ता चुना है जो आपको पता है कि आपका स्वधर्म है, जो आता गया मैं उसको अपनाता गया, तो
तो ऐसा ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई निराश हूँ या खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चढ़ता भी नहीं हूँ, उतरता भी नहीं हूँ, वरना अभी तक तो मैं पागल हो जाता। तो ज़रूरी है कि वो संतुलन बनाया रहे। और दूसरी बात यह है कि भगवान के साथ मैं बिजनेस नहीं करता, ईश्वर के साथ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे ये दे दो मैं ये करूंगा, ये बिजनेस मेरे से होता नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जो भी दिया गया है वो बिल्कुल ही विनम्रता से आप एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े, क्योंकि अगर चीजें नहीं हो रही है तो भी उसकी उनकी इच्छा है, शायद उसमें उससे कुछ बेहतर प्लान किया हुआ, आई डोंट नो। तो मैं उस दिशा में, इसलिए वो आत्मविश्वास रखना और एक सरेंडर की भावना का रखना बहुत जरूरी है, समर्पण होना चाहिए। अभी मैं कुछ एक्टर्स को देख रहा हूँ, जैसे हम परेश रावल जी को देखते हैं, अनुपम खेर जी को देखते हैं, तो बड़े मुखर होते हैं ये पॉलिटिक्स, अपने स्टेटमेंट्स को लेके, अपनी राय को लेके ये बहुत मुखर हैं। आप के ज्यादा इस तरीके के कमेंट्स आते नहीं जो करेंट सिचुएशन पर हो या पॉलिटिक्स पर हो या आजकल हिंदू राष्ट्र की बात होती है, आप थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो उसकी कोई खास वजह? मैं अपने अभिनय पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, वो लोग भी करते हैं और वो लोग भी करते हैं। अपना अपना अपनी अपनी जिंदगी है, मैं किसी और की जिंदगी देख करके मैं अपनी जिंदगी नहीं जीता हूँ। तो आपको जो जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है, जहाँ आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए, हम बोलेंगे। लेकिन जहाँ आप कंफर्टेबल नहीं हो कोई चीज का बोलने में कहने में, वो आपका अपना व्यक्तित्व है, उसको आप बदल के कोई और नहीं बन सकते हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ सशक्त अभिनय के मालिक, मशहूर एक्टर के मेनन जी, जिनका ये मानना कि कोई परमात्मा तो है, कोई शक्ति भी है जो इस दुनिया को संचालित करती है, लेकिन कर्म जो है वो प्रधान है और आपकी एफर्ट्स में भी कमी नहीं आनी चाहिए। बहुत जल्द इनकी फिल्म आने वाली है बैडमिंटन पे, लव ऑल, और ऑडियंस क्यों वो फिल्म देखे एक बार आप जाते जाते और बता दो। हमेशा से हमारी कोशिश रही कि अच्छी सिनेमा बनाएं, कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स दिखाएं आपको। उसी सिलसिले में हमने एक फिल्म बनाई है लव ऑल, 25 अगस्त को इसकी रिलीज है, थिएट्रिकल रिलीज है। और मैं चाहूंगा कि तादाद में आकर आप इस फिल्म को देख करके हमको प्रोत्साहित करें ताकि और हम ऐसा काम कर पाए। और ये सब आपके ऊपर निर्भर है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है, इसी भोपाल की धरती पर बनी हुई फिल्म है। और ये आपकी जिम्मेदारी है इस फिल्म को हिट करना। क्योंकि मैंने जब से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।